बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनरशिप लिक्विडेशन का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर प्रोवाइडेड बाय प्राइम स्टार्स एसोसिएट ऑन 30th April 2013। बैलेंस शीट एक दी हुई है, शॉर्ट बैलेंस शीट है, कैश है, अदर एसेट्स है, लाइबिलिटी है और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं। ऑन दिस डेट द इक्वल पार्टनर्स इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि तीनों पार्टनर्स के रेशियो सेम है। टू लिक्विडेट योर बिजनेस द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर $35,000, 35,000 रुपीज। अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 30,000 वर पेड। ये क्या चीज है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं जरा। और अब्दुल्ला हैड इनफ पर्सनल रिसोर्सेज टू मीट द कैपिटल डेफिशिएंसी इफ एनी। मुनीर एंड जावेद डिड नॉट हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेज टू मीट देयर कैपिटल डेफिशिएंसी। इट मींस के मुनीर और जावेद जो है वो इनसॉल्वेंट पार्टनर है, जबकि अब्दुल्ला जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर है। करना कि हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप लिक्विडेशन का अगर मैं क्विकली एक प्रोसेस रिकॉल करूं कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन में हम करते क्या है। स्टेप नंबर वन, दैट इज टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं अभी फिलहाल एक ही एसेट है, उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना है। सो पहली एंट्री जो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, दैट इज द डिस्पोजल ऑफ एसेट। और जो एसेट्स हैं वो हमने डिस्पोज कर दिए। अदर एसेट्स जब डिस्पोज कर रहे हैं, कम हो रहे हैं एसेट्स, और एसेट जब कम हो रहा है तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे अदर एसेट्स को क्रेडिट कर दूंगा। अदर एसेट्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, 2 लाख के एसेट्स है, 2 लाख से मैंने क्रेडिट कर दिया। और ये जो हमने डिस्पोज किया, दैट इज फॉर 35,000 रुपीज। तो कैश डेबिट हो जाएगा, 35,000 रुपीज से मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब मैं डिफरेंस को ट्रांसफर करूंगा, दैट इज 200 - 35, दैट इज 165। और ये 1,65,000 डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये लॉस है, ठीक है? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जब डेबिट हो रहा है, इट मींस ये लॉस हो रहा है। एक ही एसेट था, हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। सेकंडली, पे ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं। अभी फिलहाल कह रहा है अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल, नहीं भी कहता तब भी मैं अकाउंट पेबल को पे ऑफ कर देता। और अकाउंट पेबल को पे ऑफ करने की एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट विद $20,000। ये भी हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, और कोई लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं। और ये दो काम करने के बाद अब जो भी गेन और लॉस होता है, अच्छा एक और काम हो रहा है इसके अंदर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जब भी आप बिजनेस को वाइंड अप कर रहे होते हैं तो यू नीड टू इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं, या कोई भी इस तरह के लॉयर को आपने, या कोई लीगल एक्सपर्टीज को अगर आपने अपॉइंट किया या हायर किया, तो उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और उसके लिए याद रखिएगा, लीगल एक्सपेंडिचर या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को करने के लिए जो एंट्री हमारे पास बनती है उसके अंदर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, लेकिन अगर ना भी दी हुई हो तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए याद रखिएगा, तीनों पार्टनर्स यानी कि अब्दुल्ला, मुनीर एंड जावेद, तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और इक्वल रेशियोज हैं, तो उसका मतलब ये है कि तीनों के कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000 और 10,000 से डेबिट होंगे, और कैश क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 30,000। तो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है? अब ये सब करने के बाद अब हमें करना क्या है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, ऑल्दो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना भी हो तब भी ये काम मुझे करना पड़ेगा एज अ वर्किंग। अब्दुल्ला का कैपिटल है, अब्दुल्ला कैपिटल टी अकाउंट बनेगा, एंड दूसरा मुनीर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, मुनीर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और जावेद का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये तीन कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, जावेद का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब करना क्या है, जो एंट्रीज हैं पहले तो ओपनिंग बैलेंस हम पुट कर देते हैं तीनों पार्टनर्स के। अब्दुल्ला का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 120,000, और मुनीर और जावेद का आ रहा है 60,000 and 50,000। ये हमने कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिए। अब अच्छा, एक और चीज इसके अंदर भूल गया मैं, वो ये कि रियलाइजेशन अकाउंट है, जो लॉस आ रहा है इस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चौथी एंट्री के अंदर लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यानी कि पहले हमने इसको ट्रांसफर कर दिया ये 1,65,000 से, और ये लॉस हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के अंदर। और जब तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब्दुल्ला, मुनीर एंड जावेद तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और लॉस ऑन रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 1,65,000 का लॉस है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
165,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 55,000 ईच, 55,000 ईच, 55,000 ईच, 55,000 ईच. सो ये हमारे पास आ जाएगा 165,000. अच्छा ये करने के बाद अब हमें जो है यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करनी है. लेजर्स में जहाँ जहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हिट हो रहे हैं, पहली एंट्री में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, दूसरी एंट्री में भी कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, तीसरी एंट्री के अंदर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं विद 10,000. सो 10,000, 10,000 जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के थे, एंड देन 10,000. अच्छा फिर इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगेन यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन की वजह से, 55,000 ईच. सो 55,000, 55,000 एंड थर्ड वन इज 55,000. ये हमने कर दिया डेबिट. अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखूं तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट का मिस्टर ए का जो बैलेंस आ रहा है यानी कि अब्दुल्ला का, दैट इज 120 माइनस 65, तो 55,000 का आ रहा है. और क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, क्रेडिट साइड ज्यादा है. अच्छा अगर मैं मुनीर का कैपिटल अकाउंट का देखूं तो डेबिट साइड पे 65,000 है और क्रेडिट साइड पे 60 है, इट मीन्स की डेबिट साइड ज्यादा है. और जावेद का अगर मैं देखूं तो जावेद की भी अगेन 65 डेबिट साइड ज्यादा है. अच्छा जिस पार्टनर की डेबिट साइड ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट पार्टनर. जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट पार्टनर. अब डेफिशिएंट पार्टनर जो है, अब ये देखना पड़ेगा कि मुनीर और जावेद का स्टेटस क्या है. तो क्या कहा था कि मुनीर एंड जावेद डिड नॉट हैव पर्सनल रिसोर्सेज. इसका मतलब ये है कि उनके पास पर्सनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है टू मीट देयर डेफिशिएंसी. तो अब जब उनके पास पर्सनल रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली इनका जो लॉस है वो बेयर करेगा कौन? अब्दुल्ला. यानी कि मुनीर इज अ डेफिशिएंट पार्टनर, 65,000 उसकी डेबिट साइड पे आ रहा है, 60,000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है. जावेद 65,000 डेबिट साइड पे आ रहा है और 50,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है. इट मींस बोथ आर डेफिशिएंट और डेफिशिएंट के साथ साथ इनसॉल्वेंट भी हो. इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इनसॉल्वेंट का मतलब है कि ये घर से पैसे नहीं ला सकते. अब इनकी जो भी डेफिशिएंसी है, मुनीर की डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 65,000 और 60,000, दैट इज 5,000 की डेफिशिएंसी मुनीर की तरफ से आ रही है. यानी कि अगर मैं साइड पे थोड़ा सा लिखूं, 5,000 की डेफिशिएंसी मुनीर की तरफ से आ रही है और 65 और 50 दैट इज 15,000, 15,000 की डेफिशिएंसी जो है वो जावेद की आ रही है. अब ये जो अमाउंट है ये कौन पे ऑफ करेगा, ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा, या किसके कैपिटल में से हम एडजस्ट करेंगे? ये अब्दुल्ला के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे. तो 6 एडजस्टमेंट जो डेफिशिएंसी को मीट करने की बनेगी वो ये कि अब्दुल्ला का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और दोनों के अमाउंट को प्रेस करके दैट इज 20,000 से, 20,000 से. और इसी तरीके से मुनीर और जावेद का कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे, मुनीर कैपिटल एंड जावेद कैपिटल, मुनीर एंड जावेद कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 5,000 एंड 15,000 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे. ये हमने जैसे एडजस्टमेंट की इसको पोस्ट कर देते हैं तो अब्दुल्ला का कैपिटल 15,000 से डेबिट हो जाएगा और मुनीर का कैपिटल जो है वो 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा. और इसी तरीके से जावेद का कैपिटल 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा और इसमें हम रीजन लिख देंगे अब्दुल्ला कैपिटल और यहाँ पर भी हम लिख देंगे अब्दुल्ला कैपिटल. अब अगर मुनीर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखें तो 65 और यहाँ पर भी 65, इसका मतलब इसका बैलेंस हो गया जीरो, यानी कि अब्दुल मुनीर तो फारिग हो गया. इसी तरीके से क्रेडिट साइड आ रही है कितनी? 65 और ये भी 65, इसका मतलब ये कि जावेद का कैपिटल भी जीरो हो गया, ये भी पार्टनर हमने फारिग कर दिया. अब ये देख रहे हैं कि अब्दुल्ला का कैपिटल कितना बच गया. सो 120 माइनस 65 माइनस 15, सो 40,000 का कैपिटल अब्दुल्ला का बचा हुआ है. अब्दुल्ला का 40,000 का कैपिटल बचा हुआ है जो हम उसको पे कर देंगे. और 40,000 का कैपिटल पे करने के लिए हम एंट्री बना देंगे अब्दुल्ला कैपिटल डेबिट और उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट 40,000 की अमाउंट हम उसको पे ऑफ कर देंगे और ये हमारे पास फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बन जाएगी. और जैसे ही मैं यहाँ पे 40,000 पे करूंगा तो 40,000 से अब्दुल्ला का कैपिटल हमने डेबिट कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस भी जीरो आ जाएगा. ये तीनों पार्टनर्स के लेजर्स कंप्लीट हो गए. अच्छा एक और काम जो नॉर्मली मैं एडिशनल करवा देता हूँ वो ये कि आप कैश का लेजर बना के एक मरतबा चेक कर लें. कैश का बैलेंस जीरो जरूरी है क्या? ओपनिंग बैलेंस था 50,000 तो मैंने 50,000 ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो डेबिट साइड पे पुट कर दिया. इसी तरीके से एंट्रीज में देखते हिट हो रहा है. नंबर वन कैश डेबिट हो रहा है 35,000, कैश क्रेडिट हो रहा है 35,000 से डेबिट हो रहा है और 20,000 से क्रेडिट हो रहा था. नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद 30,000 के बाद फिर कैश अगेन 40,000 से क्रेडिट हो रहा है. अगेन 40,000 से हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है.
पास क्रेडिट हो गया। अच्छा, और इसके अलावा 30,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की वजह से। ये रहा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 30,000 का कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि 35,000 से डेबिट, 20,000 से क्रेडिट, 30,000 से एंड देन फिर इसके बाद 40,000 से हमारे पास क्रेडिट हो गया। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक गलती हमने कर दी यहाँ पे थोड़ा सा, इसके अंदर यहाँ पे 15 और 5 20,000 है, 20,000 से जो है ये एंट्री हमने बनाई, ए का कैपिटल 20,000 से डेबिट होगा, तो ये हमने 15,000 लिख दिया था, दिस शुड हैव बीन 20,000, ठीक है, 20,000 से हम इसको डेबिट करेंगे। अच्छा, 20,000 डेबिट करने के बाद अब जो बैलेंस बचेगा, यानी कि हम जो अब्दुल्ला को पे करेंगे दैट इज 35,000 पे करेंगे, सो लास्ट वाली जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो 40 से नहीं बल्कि 35,000 से एंट्री बनेगी, तो 35,000 से हमने इसको कैश पे ऑफ करना है। तो अब्दुल्ला कैपिटल ने 35,000 से डेबिट किया और उसका बैलेंस अब जीरो हो जाएगा, कैश जो है हम यहाँ पर 35,000 से यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। सो अगर आप देखें कैश का बैलेंस अब कितना आ रहा है, तो कैश का बैलेंस आपके पास हो जाएगा जीरो, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गई, तो कैश का बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये आपके पास एक एविडेंस, एक प्रूफ है कि आपने जो भी लिक्विड एंट्रीज बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। सो ये लिक्विडेशन की हमारी फाइनली एंट्रीज थी।